गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के नाश्ते में है स्प्राउट्स, ये चना मूंग वाला स्प्राउट्स है जिसमें मैंने प्याज टमाटर और थोड़ा सा खीरा डाला है और लास्ट में नींबू नमक डाल दिया। एंड मैंने साथ में ही ढोकला बनाया, खमन ढोकला, जो कि वही बेसन वाला ढोकला, एंड उसको राई और मिर्चे का तड़का दे दिया मैंने। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है। तो ये मैंने इनो डाल के बनाया था, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है। तो ये था आज का हम लोग का नाश्ता। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए 45 मिनट्स में क्विक कैसे वेजिटेरियन थाली रेडी करें, जो अपनी सिंपल घर की डेली रूटीन वाली जो होती है दाल चावल रोटी सब्जी एंड ऑल, वही है सिर्फ थाली में सिंपल वाली। सो 45 मिनट्स के अंदर कैसे रेडी कर सकते हैं पूरा डिश, और उसमें मैंने कोई भी चीज़ प्रिपरेशन पहले से नहीं की थी, कटिंग चॉपिंग वाली वो सारी मैंने एक साथ ही की। बस मैंने दाल और चावल सोक करके 15 मिनट्स पहले रख दिया था, बाकी तो सारा एक साथ ही उसी टाइम पे मैंने चॉपिंग भी की और उसी टाइम पे मैंने बनाया भी। तो मैं इसका क्विक ये रेसिपी शेयर करती हूँ आपसे। एंड मुझे ये भी जानना था कि क्या वो जो मैं लास्ट में क्वेश्चंस पूछती हूँ वो पजल वाले, तो क्या आपको इंटरेस्ट उसमें नहीं आ रहा? आप लोग में से कोई रिप्लाई नहीं देता, सो मुझे जानना था कि अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैं वो नहीं करती हूँ। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़ कि अगर आपको वो अच्छा लगता है, या मैं किसी और टाइप के क्वेश्चंस पूछूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर वो चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ। सो लेट्स बिगिन द रेसिपी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने उसमें थाली में इंक्लूड किया था रोटी, पापड़, चावल एंड दाल मखनी एंड रायता, वेजिटेबल रायता जो था, और भिंडी। सो आप देखिए उसकी रेसिपी और मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको, और आप लोग वही सेम चीज़ कैसे बनाते, क्या कोई और तरीके से आप बनाते हो तो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो लेट्स चेक आउट द रेसिपी। सो हम लोग लंच स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने ये दाल सोक करके रखा था, इसमें उड़द की दाल और चने की दाल है, 70% उड़द की दाल है और 30% चने की दाल है। मतलब अगर एक कटोरी ले रहे हैं हम लोग उड़द की दाल तो आधे से कम लेना है हम लोग को चने की दाल, आधे कटोरी से कम। और इसको मैं जस्ट बॉईल करने के लिए पहले कुकर में रख रही हूँ पानी डाल के, इसमें नमक और हल्दी डाल के, और इसको मैं बॉईल करूँगी 2 या 3 सीटी। अगर आपने सोक किया था इसको 15-20 मिनट पहले तब तो 2 सीटी में हो जाएगा, 1 सीटी हाई फ्लेम पर, उसके बाद लो फ्लेम पर 1 सीटी। और अगर आपने सोक नहीं किया इसको ज़्यादा देर, अगर 5 मिनट सोक हुआ है या 10 मिनट सोक हुआ है, तो इसको आप फिर 3 सीटी लगा लीजिएगा। तो मैं ये सिंपल हल्दी नमक डाल के ये कर रही हूँ। सो दाल को मैंने दूसरे गैस पे रख दिया। अब नेक्स्ट मैं भिंडी के जल्दी जल्दी काट रही हूँ और कढ़ाई भी रख दी हूँ। ये मैं सिंपल बिना मसाले वाली भिंडी बना रही हूँ, और मैं थोड़ा सा आलू भी डाल देती हूँ उसमें, क्योंकि आयांश खाता है और हम लोग वैसे तो नहीं आलू डालते, लेकिन आज दाल जो है वो मसाले वाली बन रही है, सो तो मे भी आयांश को दाल अगर कम पसंद आए तो वो भिंडी से आराम से खा लेगा रोटी, तो इसलिए मैंने ये आलू भिंडी ये सारे कट कर रही हूँ और मैं डाल रही हूँ। तो मैंने तेल डाला कढ़ाई में और उसमें जीरा और हल्दी डाल दिया, उसमें आलू भी मैंने छोटा छोटा काट के डाल दिया, भिंडी काट काट के डाल रही हूँ। तो मैं आधा भिंडी काट के डाल दी थी, आधा काटते जा रही हूँ डालते जा रही हूँ, एकदम धीमे फ्लेम पे रख दिया, तो उससे ये होगा कि आलू भी पक जाएगा और भिंडी भी थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद तेज़ फ्लेम पर ही इसको जल्दी जल्दी पका लें, क्योंकि भिंडी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आलू बस थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, वो भी 5 मिनट एक्स्ट्रा बस लगता है। तो बस वो भिंडी मैं काटते जा रही हूँ डालते जा रही हूँ, और लो फ्लेम पर जब तक आलू पकेगा तब तक भिंडी हल्का सा सॉफ्ट होगा, फिर तेज़ फ्लेम पे करके सॉटे कर करके और इसको फिर क्रिस्पी कर लेंगे, तो क्रिस्पी भिंडी की सब्जी तैयार हो जाएगी। इसमें कोई मसाला नहीं है, सिर्फ हरी मिर्च डाली हूँ भिंडी के साथ काट के, और हल्दी नमक बस, तो अपना हल्दी नमक बस डालना है, नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे और बस, और कुछ भी नहीं डालें, कोई मसाला नहीं और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, तो बस ये। और लास्ट में मैं थोड़ा सा इसमें आधा प्याज भी काट के डाल दी थी, तो उससे ये हुआ कि
कि भिंडी सॉफ्ट हो जाती है। भिंडी में वैसे भी प्याज थोड़ा लेट में ही डाला जाता है ताकि भिंडी पहले आराम से पक जाए, उसके बाद वो प्याज डालते, नहीं तो भिंडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होके एकदम वो हो जाती है, मतलब एकदम वो सटने लगती है और स्टिकी टाइप की बनती है, तो इसलिए प्याज थोड़ा लेट में ही डाला जाता है, प्याज और नमक। तो प्याज डालने के बाद बस 2 मिनट और ढक के बनाई और उसके बाद मैंने नमक डाल दिया इसमें और बस ये भिंडी हो गई। नेक्स्ट मैं अब चॉपिंग कर रही हूँ टमाटर प्याज लहसुन की, ये मैं दाल फ्राई करने के लिए, क्योंकि अपना ये दाल मखनी का ये देसी तरीका है। वैसे तो हम लोग राजमा और उड़द की दाल से बनाते हैं, बट राजमा सोक करें एंड देन उसके बाद बॉईल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये क्विक तरीका है। चने दाल से भी काफ़ी टेस्टी बनता है, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी लेना है। आप 50% उड़द दाल और 50% चना दाल भी ले सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है उड़द दाल तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। अब मेरी भिंडी भी पक गई है और पूरे बन के तैयार हो गई है, तो बस अब ये इसको निकालती हूँ मैं। नेक्स्ट मैं ये ऑयल में तेज़पत्ता, लाल मिर्च सूखा और हरी मिर्च, प्याज लहसुन और फिर टमाटर डालूँगी और इसको सारे को भून लूँगी। प्याज हल्का सा हो जाए उसके बाद ही, हल्का सा पिंक हो जाए, कलर चेंज कर दे, तो फिर टमाटर डालेंगे। ढक दिए इसको, ये पक जाए, उसके बाद दाल खोल के देखे तो ये मस्त पूरा दाल गल गया था। अगर आपको दाल थोड़ा सा खड़ा खड़ा लगे तो आप कलछी से आप थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं, तो उससे बहुत स्मूथ टेक्सचर आएगा। या तो वो जो पाव भाजी बनाने वाला वो भाजी मैशर जो होता है, आलू मैशर होता है, उससे भी आप मैश कर सकते हैं, तो बढ़िया आता है, उससे स्मूथ एकदम टेक्सचर आता है। उसके बाद मैंने ये देखे चावल भी मैं वॉश कर ली, चावल भी वॉश करके रख दी कि कुकर में से दाल निकाल के फिर इसमें चावल भी चढ़ा दूँगी एंड इसमें थोड़ा और पानी डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा लग रहा था और थोड़ी देर पकाना है तो और गाढ़ा हो जाएगा। दाल मखनी वैसे भी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतला कर दिया और इसमें लास्ट में मैं वो लाल मिर्च, जो देगी मिर्च वाला मसाला होता है, वो डाल दूँगी कलर के लिए, और गरम मसाला डाल दूँगी। बस हो गया। इसमें मैंने हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाला है और थोड़ा सा देगी मिर्च वाला लाल मिर्च पाउडर डाला है कलर के लिए। अब ये सारा हो गया। अब मैं ये तवा गरम कर रही हूँ और इस पर मैं पापड़ सेकूँगी, और चावल भी मेरा दूसरे साइड हो गया। मैं चावल 15-20 मिनट के लिए सोक की थी और उसको मैंने 2 सीटी हाई फ्लेम पे पका लिया है, और तवा पे मैं ये पापड़ ऐसे दबा दबा के सेंक रही हूँ। इस पर भी खूब बढ़िया क्रिस्पी और लाल हो जाता है पापड़, तो हम लोग तवा पे सेक लेते हैं। और डायरेक्ट गैस पे सेकने से थोड़ा सा वो बर्न टाइप का भी आ जाता है, तो वो भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी, मतलब आपको जैसे पसंद हो। आप फ्राई भी करके पापड़ खा सकते हैं। मैंने पापड़ को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ के तब मैं तवा पे सेक रही हूँ, तो ये पापड़ हो गया है अपना, सेका गया है। और थोड़ा सा मैं उसको ज़्यादा सेक के लाल कर रही हूँ अभी, कि खूब बढ़िया से लाल हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैंने रोटी भी सेक ली उसी सेम तवा पे, और रोटी बनाने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं दही ले आई और सोचा कि वेजिटेबल रायता भी बना लेते हैं। सो दही के साथ मैंने क्या किया कि पहले मैंने थोड़ा सा दही निकाल लिया। दही बहुत ज़्यादा मलाई वाली थी नहीं, काफ़ी पतली थी, टोंड मिल्क का दही था, उसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया। उसके साथ हल्का सा उसमें चीनी डाल दिया और 1 चम्मच नमक डाला मैंने, और लाल मिर्च पाउडर डाला और ये है काला नमक, इतना डाला। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाला, जो भुना हुआ जीरा पाउडर होता है, उसको खूब बढ़िया से विस्क कर लिया। और उसके बाद मैं इसमें टमाटर बारीक बारीक काट के डालूँगी। टमाटर के बाद मैंने इसमें खीरा एक छीला और उसके बाद उसको ग्रेट कर लिया। बारीक वाले ग्रेटर से कर लेंगे तो भी अच्छा है, और थोड़ा मोटे वाले से कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे लास्ट में बनाने से ये फ़ायदा रहता है, क्योंकि नमक इसमें जैसे ही डाल दे तो ये काफ़ी सारा पानी छोड़ देता है, तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लास्ट में नहीं बनाना है तो आप सारे चीज़ मिक्स करके नमक ना डालें, और वैसे ही मिक्स करके बस फ्रिज में डाल दें, और जब खाना हो तब नमक डाल के लास्ट में मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा हो। मुझे टमाटर थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने टमाटर डाला, प्याज डाला और खीरा डाला, बस इतनी चीज़ में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ली और ये कम्प्लीट हो गया हम लोग की थाली। और मैंने दाल में लास्ट में सर्व करते टाइम थोड़ा सा बटर डाल दिया था,
तो कैसी लगी आपको मेरी थाली?